ऐसा संभवतः एक ही बार हुआ था दोस्तों, जब एक गीत की रचना के दौरान पंचमदा किसी कारण उस गीत के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे और फिर अचानक किशोरदा आए और उस गीत के लिए एक ऐसी दिव्य धुन तैयार की जो आज तक हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे बड़ी हिट और शाश्वत गीतों में से एक बना हुआ है। प्रिय मित्रों, जनता टॉकीज में आप सभी का दिल से स्वागत है। हिंदी, बंगाली, तेलुगु और अन्य भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों में 1000 से अधिक गाने कंपोज करने वाले आर डी बर्मन ने अपने ऑफिशियल करियर की शुरुआत फिल्म छोटे नवाब से की। पंचमदा के नाम से जाने जाने वाले इस संगीत प्रतिभा ने तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और पड़ोसन जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी अपने पिता सचिन देव बर्मन को प्रेम पुजारी और ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में सहायता की। और दोस्तों, तभी से पंचमदा और किशोरदा का रिश्ता मजबूत होने लगा। पंचमदा, राजेश खन्ना साहब और किशोरदा ने पहली बार फिल्म कटी पतंग में एक साथ काम किया, जिसने रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। और फिर 70 के दशक में ये सुपर तिकड़ी किसी भी फिल्म निर्देशक और निर्माता की पहली पसंद बन गई। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पंचमदा का अपने म्यूजिक में पश्चिमी शैली डालने का एक अनोखा अंदाज था। परिणाम स्वरूप कई संगीत निर्देशक पंचमदा के म्यूजिक में वेस्टर्न म्यूजिक का ज्यादा प्रभाव देख के पंचमदा का खूब मजाक उड़ाते थे। लेकिन पंचमदा कभी उन लोगों की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और संगीत की अपनी अनूठी शैली जारी रखी। किशोरदा एक ऐसे इंसान थे जो जब भी पंचमदा उदास महसूस करते थे, हमेशा पंचमदा का आत्मविश्वास बढ़ाते थे। यह 1971 के मध्य की बात है जब प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत ने एक बंगाली फिल्म निशिपद्मा का हिंदी रीमेक बनाने के बारे में सोचा, जिसमें बंगाल के महानायक उत्तम कुमार ने अभिनय किया था। विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास हिंगर कचौरी पर आधारित यह फिल्म रिलीज के बाद ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी और बंगाल के सिनेमाघरों में 126 दिनों तक चली। अब शक्ति सामंत जी फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को कास्ट करना चाहते थे। हिंदी वर्जन का नाम रखा गया अमर प्रेम। उत्तम कुमार को एक आधिकारिक पत्र में राजेश खन्ना ने लिखा कि उन्होंने फिल्म में उत्तम कुमार की अभिनय को समझने के लिए बांग्ला फिल्म निशिपद्म 24 बार देखी। अब फिल्म अमर प्रेम के संगीतकार थे आर डी बर्मन और यह राजेश खन्ना के साथ पंचमदा की तीसरी फिल्म थी। पंचमदा ने निर्देशक से कहा कि वह फिल्म के मुख्य गायक के रूप में किशोर कुमार को ही चाहते हैं, जिस पर शक्ति सामंत तुरंत सहमत हो गए। लेकिन शक्ति सामंत जी ने पंचमदा को फिल्म अमर प्रेम के गानों के लिए हल्की सेमी क्लासिकल प्रकार की धुनें बनाने की सलाह दी, क्योंकि उनकी पश्चिमी शैली की धुनें फिल्म की कहानी के अनुरूप बिल्कुल नहीं होंगी। फिल्म के गानों के बोल आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। फिल्म के गानों के लिए धुनों के ऊपर काम शुरू हो गया। ये वो समय था दोस्तों जब आर डी बर्मन बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने हाल ही में अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था और उन दिनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन किशोर कुमार ने देखा कि आर डी बर्मन एक गाने की धुन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। किशोरदा आर डी बर्मन की स्थिति को समझते हुए उनके पास बैठे और पंचमदा से पूछा, क्या हुआ पंचम,
पंचम दा ने किशोरदा की ओर देखा और कहा, इस गाने की ट्यून ठीक से बन नहीं रही है किशोरदा, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। किशोरदा को पंचम दा के लिए बहुत बुरा लगा। किशोरदा ने एक पल सोचा और पंचम दा को कुछ चाय नाश्ता करने और कुछ देर आराम करने की सलाह दी। किशोरदा ने उस गाने की धुन की बेसिक स्टाइल को समझने की कोशिश की जो पंचम दा ने शुरू में सोची थी। किशोरदा कुछ देर बैठे, सोचे और उस गाने के लिए एक विश्व स्तरीय धुन बनाकर पंचम दा सहित स्टूडियो में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह गाना पंचम दा का पसंदीदा था, दर्शकों का पसंदीदा है और यहां तक कि पंडित भीमसेन जोशी जी भी उस गाने के दीवाने थे। दोस्तों, वह गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जो आज तक हिंदी फिल्म उद्योग की क्लासिक रचनाओं में से एक है। मेरे जीवन में एक ऐसा मौका आया, एक पिक्चर कर रहे थे हम लोग, अमर प्रेम, एक गाना किशोर दा ने कंपोज किए थे, उस वक्त कंपोज किए थे जिस वक्त मेरा मन बहुत उदास था। आरडी बर्मन चाहते थे कि किशोर दा को गाने का श्रेय दिया जाए, लेकिन किशोर दा चाहते थे कि इसका श्रेय पंचम दा को ही मिले, क्योंकि धुन का शुरुआती विचार पंचम दा के दिमाग से ही आया था। वो गाना क्या था आपको याद है? आप आए थे रिहर्सल के लिए? जी हाँ। वो गाना आप सुना सकते हैं? ये मेरे पसंद के गाने हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत प्यार से गाना भैया, बहुत प्यार से। कुछ तो लोग कहेंगे। इस फिल्म के गानों ने पंचम दा को फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई और हर किसी को पंचम दा की बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अन्य गाने जैसे चिंगाड़ी कोई भड़के और अन्य सुपरहिट गाने पंचम दा द्वारा खुद बनाए गए थे। अमर प्रेम के गानों पर कमेंट जरूर करें और दोस्तों, अपने पसंदीदा किशोर दा पंचम दा कॉम्बिनेशन गाना भी जरूर कमेंट करें। अगर आपको इस एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।